तरीका आपके अपने प्यारे से फेवरेट से शो में फिर एक बार है ढेरों ढेर स्वागत अभिनंदन बहुत बहुत आप सभी का वेलकम है। आप सभी आए हैं फिर एक बार आज खेल खेलने के लिए, जीतने के लिए, हर प्रश्न का सही जवाब देकर 10 पॉइंट्स और इकट्ठा करने के लिए 80, 90 और 100 पॉइंट, जिसके बाद ही आपको मिलता है ताज। अगर 80 पॉइंट्स होते हैं तो आप जीत जाते हैं सिल्वर क्राउन, अगर 90 पॉइंट्स होते हैं तो गोल्डन क्राउन ले जाते हैं, और अगर 100 पॉइंट्स यानी 10 के 10 प्रश्न का देते हैं सही जवाब तो सिल्वर क्राउन, गोल्डन क्राउन नहीं बल्कि आपको मिलता है मास्टर मुरलीधर का ताज और पद्मा पदम का टाइटल। तो बहुत बहुत आप गहरे इंतजार के साथ आते हैं कि कब ये दिन आएगा और हम जीत जाएंगे मास्टर मुरलीधर का ताज। तो चलिए देर नहीं करेंगे, हो सकता है आज का वो दिन आया हो जब आपको फिर एक बार ड्रामा में मौका मिला है देने का सही जवाब और जीतने का ताज। तो चलिए रखते हैं आपके सामने मुरली के पहले पॉइंट्स, कल की मुरली को करेंगे हम रिवाइज पहले और उसके बाद हम रखेंगे आपके सामने आज की मुरली से 10 सवाल। तो देखिए कल की तारीख 12/9/21 अव्यक्त वाणी का दिन था, संडे था, रविवार था। बाबा ने याद में रमणीकता लाने की बहुत सारी युक्तियां सुनाई थी। वैसे तो बाबा ने मुख्य पॉइंट्स कहा कि स्वयं को कर्म योगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करो, क्योंकि कर्मयोगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करती है। प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति, तो कर्मयोगी आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति अनुभव करने वाली। तो बाबा ने शिक्षा दी बनना है हमें कर्मयोगी, क्योंकि जो कर्मयोगी होता है वो खुशी और शक्ति का अनुभव स्वतः ही करता है। साथ ही साथ बाबा कहते बाप सदा बच्चों को प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने वाले हैं। अभी अभी कर्म किया, कर्म करते खुशी और शक्ति का अनुभव किया, तो ऐसी कर्मयोगी आत्मा उसी स्मृति में सदा आगे बढ़ते रहो। सदा कर्मयोगी बनकर चलना है और खुशी और शक्ति का अनुभव करते रहना है, क्योंकि बाप जो भी युक्तियाँ बताते हैं उसमें प्रत्यक्ष फल हमें मिलता है, खुशी और शक्ति का अनुभव होगा अगर बनेंगे हम ऐसी कर्मयोगी आत्मा। साथ ही साथ बाबा कहते बेहद की सेवा करने से बेहद की खुशी भी स्वतः अनुभव होती है। तो बेहद का बाप बेहद का अधिकारी बनाते हैं, बेहद सेवा का फल बेहद का राज्य भाग स्वतः ही प्राप्त होता। जब बेहद की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते तो जिन आत्माओं के निमित्त बनते उनकी दुआएं स्वतः आत्मा में शक्ति और खुशी की अनुभूति कराती। एक स्थान पर बैठे भी बेहद सेवा का फल मिल रहा है, बेहद के नशेब से बेहद का खाता जमा करते आगे बढ़ते चलो। बेहद की सेवा में बना है मददगार, बेहद की स्थिति में स्थित होकर करेंगे अगर सर्वात्माओं का कल्याण तो बहुत ही आत्माओं के मिलेंगे दुआएं जो आत्मा में शक्ति और खुशी भरती हैं। तो इसलिए ऐसे बेहद सेवा का हिस्सा अवश्य बने। साथ ही साथ बाबा कहते सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बनकर कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न आत्माएं हैं, क्योंकि जब कर्म भोग का जोर होता है कर्मेंद्रिया कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा है ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी और कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्ट रतन विजय कहलाते। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। यह वस्त्र दुनिया की माया की आकर्षण से टाइट अर्थात खींचा हुआ ना हो, तब ही सहज उतरेगा। तो हमें इतना गहरा पुरुषार्थ करना है जैसे हमारी दादियों ने करा, इतना कर्म भोग होते हुए भी उसे कर्मयोगी बनकर पार किया बाबा की याद में एकदम डिटैचमेंट के साथ। हमें भी ऐसा ही करना है गहरा पुरुषार्थ। तो कल की मुरली से तो हमने फिर एक बार गहरी शिक्षाएं ले ली हैं। बढ़ चलते आगे, रखते हैं आज की मुरली से आपके सामने 10 सवाल। आज है तारीख 13/9/21, सब कुछ 13-13 कर लीजिए और हो जाइए बिल्कुल हल्के, और फिर आने वाले 10 सवालों का दीजिए सही जवाब तो आप जीत जाएंगे और विजयी बने जाएंगे। तो चलिए रखते हैं आज की मुरली से पहला प्रश्न। प्रश्न है समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले डैश, चार ऑप्शन। ऑप्शन ए विजयी भव, ऑप्शन बी शक्तिशाली भव, ऑप्शन सी सफलता मूर्त भव, ऑप्शन डी संतुष्ट मणि भव। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो
वक्त समाप्त हो गया, चलिए बताते हैं सही जवाब। ऑप्शन बी शक्तिशाली भवा। तो पहले प्रश्न का दिया है शक्तिशाली स्थिति में जवाब और जीत चुके आप 10 पॉइंट्स। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, मुबारक हो जी, मुबारक हो, ढेरों ढेर मुबारक है आप सभी के लिए। तो चलिए इन्हीं मुबारकों के साथ बढ़ चलते आगे, रखते दूसरा प्रश्न। प्रश्न है किसमें स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। चार ऑप्शन, ऑप्शन है परिस्थिति में, ऑप्शन बी पर चिंतन में, ऑप्शन सी स्व स्थिति में, ऑप्शन डी स्व चिंतन में जो टाइम स्टार्ट ना। दूसरा प्रश्न है चार ऑप्शंस, बताइए सही जवाब। चलिए बता दें सही जवाब। ऑप्शन सी स्वस्थिति में, स्वस्थिति में रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता का निशानी है। तो बहुत बहुत फिर एक बार ढेरों ढेर बधाइयां, मुबारकें आप सभी को, दिया है बिल्कुल सही जवाब और जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक दी। अब आज की 13 तारीख की मुरली को फिर एक बार करते रिवाइज। बाबा ने कहा तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है, यहाँ से सबकी सदगति होती है संसार में। और किसी के पास एक्सेप्ट भगवान बाप के अलावा किसी के पास ताकत नहीं है प्रकृति और मनुष्य मात्र को बदलने की, तमो से सत्व बनाने की। सिर्फ एक बाप के पास ही है, यही एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ से होती है सबकी सदगति। तो मुरली से प्यारी सी पॉइंट हमने सुनी, अब चलते हैं आगे, रखते हैं तीसरा प्रश्न। प्रश्न है स्पिरिचुअल फादर बैठा हुआ है, यह रूहानी नॉलेज है जो किसके द्वारा मिलती है। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए रूहानी बाप, ऑप्शन बी रूहानी टीचर, ऑप्शन सी रूहानी सर्जन, ऑप्शन डी रूहानी सत्पुरुष। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हो, सही जवाब है ऑप्शन ए रूहानी बाप। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, दिल की दुआएं फिर एक बार और साथ ही साथ ढेरों ढेर कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिया है बिल्कुल सही जवाब। चलिए चलते आगे, रखते 14 प्रश्न। प्रश्न है वह है हम आत्माओं का घर ब्रह्म है तत्व, आत्माएं मूल वतन व कहाँ निवास करती हैं। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए शांति धाम में, ऑप्शन बी निर्वाण धाम में, ऑप्शन सी ब्रह्म लोक में, ऑप्शन डी ब्रह्म तत्व में। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो देखते देखते 14 प्रश्न पहुंच चुका है आपके डब स्क्रीन पर, जिसमें चार ऑप्शंस भी आ रहे हैं, बस आपको मेहनत ये करनी है कि दे रहा है सही जवाब। वक्त ने दिया इशारा टाइम्स अप, वक्त समाप्त होने के बाद सिर्फ जवाब ही बताना है हमें, आपको तो सिर्फ वक्त के अंदर जवाब बताना होता है। तो चलिए हम बताते हैं सही जवाब। ऑप्शन डी ब्रह्म तत्व में, आत्माएं कहाँ निवास करती हैं ब्रह्म तत्व में। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, फिर एक बार आप सभी को बधाइयाँ, ढेरों ढेर मुबारकें कि आपने दिया है सही जवाब। 10 पॉइंट्स हैं आपके पास और अगर 40 पॉइंट से संपन्न है आप तो भी बधाइयाँ, ढेरों ढेर मुबारकें और 40 गुना बधाइयाँ। तो बधाइयाँ ले लिए, भरपूर कर लीजिए ज्ञान रत्नों से झोलियों को। धारणा के लिए बाबा ने आज हमें क्या मुरली में शिक्षा दी है सुनते हैं। बाबा ने कहा सत्युगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए बड़ा ही प्यारा बनना है, राजाई पद के लिए पावन बनना है, पवित्रता फर्स्ट इसलिए काम महाशत्रु पर विजय पानी है। सत्युगी दुनिया बड़ी प्यारी है तो जैसी दुनिया है वैसा बनना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए प्यारी दुनिया में चलने के लिए प्यारा बनो, फर्स्ट राजाई पद लेने के लिए पावन बनो, क्योंकि पवित्रता है फर्स्ट और काम महाशत्रु पर इसलिए विजय प्राप्त करो। तो बाबा ने दी गहरी शिक्षाएं, धारणा सुनाई है, साथ ही साथ बाबा कहते इस पुरानी बेहद की दुनिया से बेहद का वैरागी बनने के लिए इन आँखों से देह सहित जो कुछ भी दिखाई देता उसे देखते हुए भी नहीं देखो, हर कदम पर बाप से राय लेकर चलो। बेहद का वैरागी बनना है तो देखते हुए नहीं देखने की धारणा बड़ी ही पक्की चाहिए, हर कदम में बाप से राय लेते रहना है, कुछ भी मनमत व परमत से नहीं करना है,
सब में बाप की श्रीमत को याद रखना है, बाप से हर कदम पर पूछकर आगे बढ़ना है। तो ली मुरली से गहरी शिक्षा है, फिर एक बार पर चलते आगे रखते हैं पांचवा प्रश्न। प्रश्न है, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान कैसा है? चार ऑप्शन, ऑप्शन निराकार, ऑप्शन बी पुनर्जन्म रहित, ऑप्शन सी अशरीरी, ऑप्शन डी ज्योति बिंदु है जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ, टाइम सर। सही जवाब है ऑप्शन बी पुनर्जन्म रहित। मनुष्य और भगवान में यही फर्क है कि भगवान पुनर्जन्म रहित है और मनुष्य बार बार जन्म मरण के चक्र में आते ही रहते हैं, भले वो सन्यासी ही या फिर धन स्थापक ही क्यों ना हो। तो गहरी शिक्षाएं मुरली से ली हुई तो आप सभी को देते हैं बहुत बहुत बधाइयां बधाइयां बधाइयां। मुरली की पॉइंट्स भी रिवाइज होती रहती हैं, आप सभी जीतते भी रहते हैं 10 पॉइंट्स और भरपूर होते करते रहते हैं अपनी झोलियों को दुआओं से, आशीर्वादों से, ज्ञान रत्नों से, वरदानों से। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो आप सभी को, गहरी दिल से मुबारकें। मुबारकें ले ली, अब करिए अनुभव परम पिता परमात्मा के वरदानों का। बाबा ने वरदान दिया समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर, सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भवा। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वे समस्याओं के ऐसे पार कर लेती जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती, हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती, कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते बल्कि सदा संतुष्ट रहते। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। तो ऐसा हमें बनना है कि समस्याएं हमें चढ़ती कला का साधन अनुभव हो, तभी हम संतुष्ट रह सकेंगे, शक्तिशाली रहेंगे, तभी हम समस्याओं को पार कर सकेंगे। जितना शक्तिशाली रहेंगे समस्याओं को पार कर सकेंगे सहजता के साथ, और जब समस्याओं को पार कर सकेंगे तो संतुष्ट रहेंगे भी और हर कारण को निवारण में परिवर्तन कर देंगे। तो मुरली से तो वरदानों का कर लिया अनुभव, गहरे वरदानों का विस्तार को भी हमने समा लिया। तो चलिए अब बढ़ चलते आगे रखते हैं छठवां प्रश्न। प्रश्न है, आत्माएं जो शरीर द्वारा आकर पार्ट बजाती हैं वे कामचिता पर बैठ कैसे बन पड़ी? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए दुखी, ऑप्शन बी रजो प्रधान, ऑप्शन सी काली, ऑप्शन डी तमो प्रधान है जो टाइम स्टार्ट नाउ। वक्त ने तो दे दिया इशारा, टाइम्स अप। चलिए बता दें सही जवाब, ऑप्शन डी तमो प्रधान। आत्माएं तमो प्रधान बन पड़ी है कामचिता पर बैठकर। तो फिर एक बार बधाइयां बधाइयां बधाइयां। अगर 60 पॉइंट्स हैं आपके पास तो अब 2 प्रश्न दूर हैं सिल्वर क्राउन से। तो चलिए रखते हैं सातवां प्रश्न यूट्यूब स्क्रीन पर। प्रश्न है, कोई कहे हम आत्मा का साक्षात्कार करें तब हम माने, अच्छा आत्मा कैसी है? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए बिंदी, ऑप्शन बी नूर, ऑप्शन सी स्टार, ऑप्शन डी ज्योति है जो टाइम स्टार्ट ना। बता रहे हैं सही जवाब सातवें प्रश्न का। सातवां प्रश्न आ चुका है, 70% खेल पर हम चल रहे हैं, बताइए सही जवाब। वक्त समाप्त हो गया, सही जवाब है ऑप्शन ए बिंदी। आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, आत्मा को देखा नहीं जा सकता, बल्कि आत्मा सिर्फ और सिर्फ अनुभव करने वाली चीज है, क्योंकि आत्मा इतनी सूक्ष्म है उसको इन स्थूल आंखों से कोई देख नहीं सकता। तो बाबा की मुरली से भी शिक्षा ले ली और आपको मिल गए हैं सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स भी। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सातवें प्रश्न का भी दिया बिल्कुल सही जवाब 10 पॉइंट से, फिर एक बार आप संपन्न हो गए हैं तो मुबारक हो। बढ़ चलते आगे रहते सीधे आठवां प्रश्न। प्रश्न है, जो जिस भावना से याद करते वह क्या पूरी कर देता हो? वह भी ड्रामा में नूंद है। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए कामना, ऑप्शन बी इच्छा, ऑप्शन सी भावना, ऑप्शन डी मुराद है जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो आठवां प्रश्न, चार ऑप्शंस, बताइए सही जवाब।
गया है। फिर एक बार चलिए बताते हैं सही जवाब। ऑप्शन सी भावना। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार बधाइयां आप सभी को। अगर 80 पॉइंट से आपके पास, तो सिल्वर क्राउन लाए हैं हम आपके लिए। हाँ जी, आप सभी 80 पॉइंट जीतने वाले भाई बहन सिल्वर क्राउन धारी बन चुके। लेकिन जो नहीं जीत पाए, अभी भी उनके पास मौका। अगर आपके पास 60 पॉइंट है, तभी भी आपके पास मौका है। आप 2 प्रश्नों का और सही जवाब देकर आप सिल्वर क्राउन भी ले जा सकते हैं। तो चलिए, मौके का फायदा उठाने का मौका हम फिर एक बार देंगे। लेकिन करते हैं पहले मुरली को अपने अंदर ग्रहण। बाबा कहते हैं, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। तो हमने ली मुरली से शिक्षाएं। अब बढ़ चलते हैं आगे। रखते हैं आपके सामने 9वां प्रश्न। प्रश्न है, फिर लिखते हैं बाबा सम्मुख आए। बाबा लिखते हैं, काला मुंह किया अब डैश। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए, गिरे तो चकनाचूर। ऑप्शन बी, यहाँ नहीं आ सकते। ऑप्शन सी, पुरुषार्थ करो। ऑप्शन डी, सजा खानी पड़ेगी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो बताना है आपको सही जवाब। 9वां प्रश्न आपके सामने पेश हो चुका है, बताइए सही जवाब। बताते हैं सही जवाब है, यहाँ नहीं आ सकते। अगर काला मुंह किया तो बाबा कहते यहाँ नहीं आ सकते। तो बहुत बहुत फिर एक बार बधाइयाँ, 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 दिल की मुबारकें आप सभी को। बहुत बहुत मुबारक हो 10 पॉइंट जीतने के लिए भी। और अगर गोल्डन क्राउन के हकदार बन चुके हैं, तो ज़रूर आपके पास 90 पॉइंट्स होंगे। तो ये गोल्डन क्राउन ही आपके लिए कितना प्यारा सा ताज है, और आप बन चुके हैं इसके हकदार। तो मुबारक हो। चलिए बढ़ते आगे। रखते आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न है, सतयुगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए बहुत बहुत कैसा बनना है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन न्यारा। ऑप्शन बी, दुलारा। ऑप्शन सी, पावन। ऑप्शन डी, प्यारा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो देखिए आप कहाँ पहुंच चुके हैं, अंतिम प्रश्न पर आ चुके हैं। इसका भी बता दीजिए सही जवाब। तो अगर आपके पास 70 पॉइंट है, तो आप सिल्वर क्राउन ले जाएंगे। 80 पॉइंट है, तो लब गोल्डन क्राउन भी मिल सकता है, या फिर ताजधारी भी बन जाएंगे। समय तो समाप्त हो चला है। बताते सही जवाब। ऑप्शन डी, प्यारा। तो फिर एक बार बधाइयाँ, बधाइयाँ, ढेरों ढेर मुबारकें आप सभी के लिए हम लाए हैं, क्योंकि आपने फिर एक बार किया है कमाल, दिया है सही जवाब। तो बहुत बहुत मुबारक है हमारी तरफ से आप सभी के लिए। बहुत बहुत बधाइयाँ, 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 दिलखुश मिठाइयों के साथ बधाइयाँ। चलिए अब अनुभव करते हैं, डायमंड हॉल में पहुँच जाइए। भले इस वक्त रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन हम सूक्ष्म रूप में तो डायमंड हॉल का अनुभव कर ही सकते हैं। सभी डायमंड हॉल में पहुँच जाए और अनुभव करें स्टेज पर बाप दादा विराजमान हैं, और फील करें कि सिर्फ भगवान मेरे लिए आया है, मुझे मुबारक दे रहा है, मेरे को ताजधारी तिलकधारी बना रहा है। फील करें बाबा की शक्तिशाली दृष्टि मिल रही है डायमंड हॉल में हम सभी को। बाबा की दृष्टि से हम निहाल हो रहे हैं, शक्तिशाली हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं। फील करें बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर आ गया है, मस्तक पर बाबा ने तिलक लगाया, वरदान दिया बच्चे मास्टर मुरलीधर भवा, निर्विघ्न भवा, विजयी भवा। बड़े ही प्यार से आप सभी को गले लगा लिया। अनुभव करें बाबा के गले से लगकर आपके दिल का दर्द जैसे समाप्त हो गया है, सारी बुराइयां नष्ट हो गई है, व्यर्थ समाप्त हो गया है। बस चित्त में एक बाबा ही बैठ चुका है, दिल में बाबा, चित्त में बाबा, स्मृतियों में बाबा बैठ चुका है। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो आप सभी को। फिर एक बार ढेरों ढेर बधाइयां हमारी पूरी टीम की तरफ से भी। ये आपने आज बहुत सुंदर अनुभव किया बाबा का सूक्ष्म रूप में। तो चलिए अब हमें तो दीजिए इजाजत, हम कल आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। तो हमारे साथ फिर एक बार जुड़िएगा रात को 8:30 बजे पावर ऑफ प्रकाश चैनल पर।
तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिएगा और गुनगुनाते रहिएगा बाबा की महिमा को और आत्मा के गुणों को। तो रखिएगा अपना ख्याल, हम फिर मिलेंगे। अच्छा, गुड नाइट, गुड बाय, टेक।